बस कुछ ही पल का और इंतजार बाकी है, बिग बॉस का विनर कौन है ये हम सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे सबसे चर्चित नाम मुनव्वर फारूकी के बारे में, क्योंकि उनका जो पहले का करियर है बहुत ही बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद क्या कुछ उनका ग्राफ रहा है उस सबके बारे में बातचीत करने के लिए आज न्यूज़ रूम से बहुत सारे सहयोगी मौजूद हैं। कुछ मुनव्वर के फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है, एक एक करके जानते हैं सबकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो प्रियांशी, सबसे पहले आप मुनव्वर के फेवर में हैं, आप अगेंस्ट में हैं? अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि इसका जब मुनव्वर शुरू में आए थे तो मैं कैमरे पे बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगा था बहुत ही अच्छे इंसान है, एक क्रश टाइप का आ गया था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनका जो खेल था वो बिग बॉस ने पलट दिया। जिस तरीके से आयशा खान घर में आई और उसके बाद से जो मुनव्वर के जीवन में तूफान आया वो देखने को मिला, और वो सच्चाई भी देखने को मिली कि आयशा ने जितने भी आरोप लगाए वो बिल्कुल सत्य थे। ठीक है प्रियांशी, आगे आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आप जो अभी प्रियांशी ने कहा उससे सहमत रखती हैं या नहीं कि मुनव्वर का जो गेम था वो आयशा के आने के बाद बढ़ा कि कम हुआ, आपको क्या लगता है? मैं प्रियांशी से बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि मुनव्वर का एक बहुत ही वेल नोन फेस है एक पहली बात तो, और उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी कितनी बहुत अच्छी कर रखी है, और इसी वजह से उनकी जो फैन बेस काफ़ी स्ट्रांग है सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से। और इससे पहले वो एक और शो जीत चुके हैं जिसका नाम है लॉकअप, कंगना रनौत का शो था, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा ऐसा लोगों को लगा, मुझे नहीं लगा इतना खास। और प्लस बिग बॉस में अब वो स्टार्टिंग फर्स्ट डे से वो हैं, लेकिन उनकी जो जर्नी है वो काफ़ी सेफ प्ले करा है उन्होंने। जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि उन्होंने जो ना कभी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को टारगेट नहीं करा, उन्होंने हमेशा ही जो वीक कंटेस्टेंट है उनको टारगेट करा। और आयशा खान के आने के बाद उनका जो एक चेहरा सबसे छुपा हुआ था ना कि मुनव्वर फारूकी बहुत ही सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है अंजलि, आपको जिस शो में जाते हैं वहाँ पे वो लड़कियों का यूज करते हैं, उनको फ्रेंड्स बनाते हैं, इस शो में भी उन्होंने मन्नारा और अंकिता का बहुत फायदा उठाया। अंकित, अंजलि आपको क्या लग रहा है कि वो मुनव्वर का जो पूरा गेम प्ले था वो सेफ प्ले था या फिर वो डंके की चोट पर दिखे सामने? और जो कशिश कह रही है कि उन्होंने लड़कियों को अपना गेम बनाया, लड़कियों के सहारे वो ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सब? देखिए जब वो बिग बॉस में आए थे तब ऐसा लगा था कि भाई मुनव्वर फारूकी आ गए, क्योंकि मैंने वो लॉकअप भी देखा था तो उसमें मुझे उनका गेम बहुत अच्छा लगा था। वो लड़कियों से थोड़ा दूरी बना के रखते थे और बोलते थे कि हाँ भाई मैं तो कमिटेड हूँ, तो वो चीज उन्होंने लॉकअप में भी अंजलि अरोड़ा का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। फायदा क्या मतलब, पर वो उससे दूरी मेंटेन करके रखते थे, वहाँ पे अंजलि भी उतना ही उनका सपोर्ट करती थी, पर यहाँ पे आने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे पत्ते उनके खुलते गए और वो बिखरते चले गए बिल्कुल। और जितने आयशा आरोप लगाए थे सब सच निकले, और फिर उसके बाद उनका गेम थोड़ा वीक पड़ गया, तो अब जो है वो सिर्फ एक नाम बन के रह गए हैं। और मुझे लगता ऐसा लगता है कि उन्होंने बिग बॉस में आने के बाद नाम कमाया नहीं, गवा दिया है। ठीक है अंजलि, आकर्ष आपको क्या लग रहा है? मुनव्वर फारूकी एक बहुत बड़ा नाम है स्टैंड अप कॉमेडी का, तो जिस तरीके से वो इस शो में आए एक बहुत एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की उनसे, तो क्या वो उन पर खरे उतरे या सब कुछ मिट्टी में मिल गया? देखिए मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर चीज़ें मिट्टी में ही मिलाई हैं। वो ह्यूमरस थे, स्टैंड अप कॉमेडियन थे, तो अपनी विटीनेस के साथ अच्छे जवाब दे सकते थे, पर जिस प्रकार का आयशा खान के आने के बाद ड्रामा शुरू हुआ तो ऐसे कहीं ना कहीं पोल खुलने लगी। और वैसे भी निजी दौर पर ना मैं भूला नहीं हूँ कैसे उन्होंने अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी में श्री राम का मजाक बनाया था, तो लोग भी ये बात भूले नहीं होंगे, ऐसी बातें भुला नहीं जाती हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, एक बार कुछ चीज़ सामने आ जाए तो उन्होंने अपनी स्टैंड अप की स्क्रिप्ट्स में अगर वो अपमानजनक बातें कहेंगे श्रीराम के लिए तो बिग बॉस हम तो नहीं जिताएंगे भाई। ठीक है देखिए, अब हमने एक पक्ष जान लिया जो था कि मुनव्वर के बिल्कुल अगेंस्ट में है, लेकिन दो साथी मेरे साथ मौजूद हैं, अंकित और मोहनीश, जो कि मुझे लगता है कि मुनव्वर के फेवर में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अंकित आपको क्या लग रहा है, जो बाकी सब ने बोला मुनव्वर के गेम प्ले को लेकर, आप क्या समझ रहे हैं कि मुनव्वर का गेम प्ले फेक था, रियल था, या वो सेफ प्ले करने में ही अपना नाम गवा बैठे? देखिए मुनव्वर जब भी जो गेम खेले बिग बॉस का वो डंके की चोट पे खेले, और बिग बॉस में सब कोई गेम खेलने ही आया, और बिग बॉस मतलब इस बार जो बिग बॉस हुआ है उनके रिश्तों को लेके इर्द गिर्द बिग बॉस भी तो घूम रहा है, टीआरपी वहीं से उठ रहा है, और बिग बॉस को पता है कि अगर रिश्ते के इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे तो टीआरपी नहीं उठेगी, तो उनकी पर्सनल रिश्तों में जाके आप ऐसे करेंगे तो किसका पर्सनल? आपको ये लगता है कि जो मुनव्वर है वो डिजर्विंग विनर होंगे? मुनव्वर डिजर्विंग विनर है बिग बॉस में? अंकित स्माइल कर रहे हैं, आप देख सकती है, आप देख सकती है बिग बॉस के विनर के अंदर क्या क्वालिटीज देखते हैं आप? उसके अंदर सारी क्वालिटीज है, हर कोई उसे नापसंद करते हुए अगल बगल ही घूम रहे हैं सब लोग, उनके रिश्तों में सबको इंटरेस्ट है, सब लोग बैठ के चाहते हैं सुनना, सबको इंटरेस्ट है इतना, सब कुछ सबको सब कुछ जानना है। क्यों आ रहा है सबने, जब वो आयशा वाला सीन हुआ था सबने एक साथ बैठ के क्यों बात करी थी? क्योंकि आयशा खान जब उनसे लड़ाई होती थी मुनव्वर की, तो वो बार बार सबसे यही कहती थी कि वो मुझसे अकेले में बात कर लेता है, इसलिए जो ना सब सॉर्ट हो जाता है। अच्छा मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, आयशा खान क्या सही है?
आयशा खान अपनी जगह बिल्कुल गलत है, लेकिन मुनव्वर भी सही नहीं है, क्योंकि मुनव्वर, देखिए मुझे लगता है ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर मुनव्वर गलत है तो आयशा भी गलत है, या ये सही गलत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप गलत हैं तो फिर आप ऐसा क्यों दिखाते हैं कि आपको लड़कियों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, मैं लड़कियों का बहुत इज्जत करता हूँ, मैं एक इंसान से कमिटेड हूँ, मतलब आप अपने जो दर्शक है, जो आपके फैन है, आप उनको धोखा दे रहे हैं ना, आप झूठ बात बोल रहे हैं। नाम यूज करा नाजिला का नाम उन्होंने बिग बॉस के पूरे शो में, आप अपने फैंस को धोखा दे रहे हैं कि मैं किसी से कमिटेड हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, ये नहीं कर सकता। आप पहले मनारा को एक होप देते हैं, आप उनका केयर करते हैं, फिर आयशा के आने के बाद से आप बताइए अंकित, ये सब आरोप है मुनव्वर पर जो लग रहे हैं, आप कैसे डिफेंड करेंगे इन सब? ये उन्होंने एक्सेप्ट, मुनव्वर सपोर्टर आप इसे डिफेंड कैसे करें? अच्छा, जिनके रिश्ते सही नहीं है उनके सामने बैठ के पर्सनल रिश्तों के बारे में गिनाना, ये कहाँ का सही है? एक मैं और चीज पूछना चाहूंगी, जो स्टैंड अप कॉमेडी में कि हमारे भगवान का अपमान करेगा, उसको आप सपोर्ट करेंगे? उसको तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे, वो तो बात पुरानी हो चुकी, और कहीं ना कहीं पुरानी कभी नहीं होगी वो बात हमेशा, देखिए कट्टर भक्त जज्बाती जग रहा है, हमेशा हमारे अंदर रहेगी बात। और वो उनका वो जो अगर कोई उसका जो नेचर होता है ना इंसान का, वो बिग बॉस के हाउस में वो दिख जाता है, कोई अपनी पर्सनैलिटी छुपा नहीं, लेकिन कोई अपना एक सेकंड का शाम फेक साइड छुपा नहीं सकता, वहाँ पे आके सब रियलिटी राम भक्त वाली चीजों से नहीं जोड़ सकते हैं अभी बिग बॉस में जो हो रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके आप लोगों को सुनने में कितना मजा आ रहा है। गलत बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं मुनव्वर को सपोर्ट करते हैं तो आप कैसे डिफेंड करेंगे? अगर मुनव्वर की पर्सनल लाइफ की चीजों को सुनने में क्यों मजा आ रहा है भाई, मतलब आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, फॉर्म पे आए हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। अच्छा ठीक है, बताना नहीं चाहिए उन्होंने, क्यों बोला नाजिला की गर्लफ्रेंड है, क्यों बोला उन्होंने? नहीं तब उनको नहीं बोलना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ, नाजिला को बार बार क्यों लेके आते हैं अगर पर्सनल लाइफ डिस्कस। ठीक है प्रियांशी, जवाब देने दीजिए डिफेंड। अगर सुनिए, अगर उनपे मुनव्वर पर बहुत सारे आरोप है, बहुत सारे सवाल है, अगर ये लोग एज अगेंस्ट है उसके इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे डिफेंड कैसे करेंगे आप उन सब चीजों को? क्योंकि किसी एक पर्सनल रिलेशन सपोर्टिंग की सिर्फ एक लाइन है, मेन टीआरपी देने वाला बंदा इस समय मुनव्वर है, टीआरपी दे रहा है। अच्छा मैं धोखा देने की बात, एक चीज सुन लीजिए, मेरा एक चीज सुन लीजिए, मुनव्वर देखने के लिए मुनव्वर इतने अच्छे हैं कि वो किसी भी लड़कियों का नाम लेके नहीं आ रहे थे, बाहर से आई सब कुछ खोल के रख दी पोलपट्टी, जो हत्यारा होता है ना। देखिए कशिश, एक सेकेंड अंकित, प्रियांशी, कशिश, मुझे ऐसा लगता है नाजिला के साथ जो उनका रिलेशनशिप था वो पहले भी ओपन था, ऐसा नहीं है उन्होंने बिग बॉस में आके ही उसका नाम लिया है, वो बिग बॉस के पहले भी नाजिला का नाम, जबकि उनका ब्रेकअप हो चुका है। ये कहीं ना देखा, जितने दर्शक अभी पहुंचे थे अंदर सपोर्ट करने के लिए, किसका नारा लग रहा था हमारा, इतना गलती किया उन्होंने मुनव्वर ने, लेकिन सपोर्ट किसको मिल रहा है अभी, कोई भी फैन ऐसा नहीं लग रहा कि प्रियांशा नारा नहीं लगा, नारा सबसे देर तक लगा, कोई दिया होगा नहीं, आपको सुनाए सिर्फ वही दिया, और आपके जैसे वो फैन होंगे जो डिफेंड कर रहे होंगे। प्रियांशी एक सेकंड, लड़की को डिफेंड करे वो आप ही के जैसे लड़की सही मानती है? नहीं मानती उस लड़की को, लेकिन हम मुनव्वर की बात कर रहे हैं ना। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड शांत हो जाइए अंकित, एक सेकंड, देखिए रुकिए, मुनव्वर आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि मुनव्वर सारी चीजें करके एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? सारी उसने जहाँ पे गलती, उसे लगा कि मैं गलती किया, उसने माफी भी मांगा, और नेशनल टीवी आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे क्यों खोल रहे हैं? अगर आपको दिक्कत है तो बाहर आइए, बैठ के बात करिए, लेकिन आपको नेशनल चैनल पे टीआरपी चाहिए आपको। और आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि मुनव्वर बहुत सारी चीजों को छुपा भी रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आयशा के बारे में भी बोला कि मैं बहुत सी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आप लोगों को वो फेक लग रहा है? बिल्कुल फेक है, देखिए वो अगर आप जैसे हैं आप वैसे रहिए ना, जैसे अभिषेक है उनको एंग्री वाला प्रॉब्लम है तो वो दिखाते हैं, मुनव्वर शुरू से ही एक संस्कारी जो इंसान होता है ना वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा सा उनका एक गेम प्ले सिंपल सा था कि उनको लोगों की नज़रों में यानी फैंस की नज़रों में बहुत ही अच्छा इंसान बन के रहना है, जो लड़कियों का रिस्पेक्ट करता है, जो लड़कियों के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता है, और उनका एक प्यारा सा लव स्टोरी है वो भी उनको दिखाना है कि मैं उस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनकी मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक मुनव्वर की पर्सनैलिटी आप कह रहे हैं कि फेक ही रही है, वो सिर्फ फेक कर रही है। जी बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद हर, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल फेक थी, वो कोई रियलिटी उनका जो ये माना था वाली बात को लेके बैठी है, मैं वो नहीं बोल रही, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जर्नी की, बिग बॉस की जर्नी को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, एक एक एपिसोड फीडबैक के बाद क्यों चेंज हो जाते थे? मालवी कौन होती है जो पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगी, नेशनल चैनल पे जब उनका बॉयफ्रेंड पहुंचता है तो बोलती मेरा बॉयफ्रेंड ही नहीं है, उनको बड़ा इंटरेस्ट लगा और आग उसी ने लगाया,
जो आग लगा उसी ने लगा के चला गया। मालवी ने बताया ना कि ये मुझसे चीट करके आया ना, ईशा मालवी ने बताया। देखिए एक चिंगारी की जरूरत थी जो आयशा खान ने, अंकित मुझे लगता है नहीं है, अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपकी बातें हो रही हैं, दैट इज नॉट पर्सनल। इफ आई एम द मेंबर ऑफ यू, अगर मैं उस घर की मेंबर हूँ, मैं पूछूंगी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप अच्छा ठीक है, प्रियांशी सामने सुनिए भी जो कहा जा रहा है। चलिए ठीक है, इसको हम अभी यहीं खत्म करते हैं। मुनव्वर फारूकी को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लोग पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि उनका जो गेम प्ले था वो रियल था या फेक था, आपको क्या लग रहा है हमें कॉमेंट करके बताइएगा। लेकिन इंतजार की घड़ियाँ खत्म होने वाली हैं, 6 बजे बिग बॉस का फिनाले शुरू हो जाएगा और रात 12 बजे तक हमें पता लग जाएगा कि कौन लेकर जाने वाला है बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने घर पर। आप किसको वोट करने वाले हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।